रोशन कुमार गुप्ता। निगम से? यस यस कमिंग। आइए आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी तो मैं बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। बीपीएससी की तैयारी करने के बाद और कुछ कर रहे हैं? पार्ट टाइम सर। ये सर थोड़ा सा टीचिंग कर देता हूँ। आपने बीटेक किया है ना? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। यस सर। ठीक है। और ऑप्शनल पेपर आपने ज्योग्राफी रखा। यस सर। आखिर क्या कारण है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग करने के बाद उधर उस क्षेत्र में कोई काम आपने किया नहीं और ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा है और सिविल सेवा की ओर आप आए? तो इंजीनियरिंग वाले फील्ड में क्या आपको इंटरेस्ट नहीं था? सर इंटरेस्ट तो था, लेकिन सर मुझे हमेशा एक गवर्नमेंट जॉब के तरफ रुझाव था। तो जब मैं बीटेक कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि जो करियर अपॉर्चुनिटी चुनना चाहिए तो मैं सिविल सर्वेंट एक सूटेबल अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के प्रति आपका रुझान है ना। यस। तो बीपीएससी के अलावा और भी कोई परीक्षा देते हैं आप? सर सॉरी सर, अभी तो कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़े हैं। यस। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स? सर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है कि जिसमें सर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में एक थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लो वोल्टेज और लो करेंट पर ऑपरेट होता है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो कुछ और अंतर और बता ही दीजिए आप, क्या क्या अंतर होता है? सर एक तो सर जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऑपरेट किया जाता है तो या तो 200 वोल्ट में या किलो वोल्ट पे बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो या तो मिली वोल्ट, नैनो वोल्ट या क्यू वोल्ट, -48 वोल्ट से लेकर के 48 वोल्ट के बीच ऑपरेट किया जाता है। और इसमें एक डीसी सब कंपोनेंट यूज किया जाता है, एसी रहता है उसमें, ट्रांसफर लो वोल्टेज ट्रांसफर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज 220 वोल्टेज मिलती है इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के यूज के लिए सूटेबल हो जाती है। इसमें हम लोगों ने सुना था कि रेसिस्टर एक होता है। यस। एक कैपेसिटर होता है। यस। ये क्या है, इसको आप दोनों के बारे में समझा पाएंगे? रेसिस्टर एक पैसिव डिवाइस होता है जिसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करता है, जैसे जितना करंट चाहिए और अगर लो वोल्टेज पे ऑपरेट करना है किसी बल्ब को या फैन को तो वहाँ पे रजिस्टर का यूज़ करते हैं कि जो ज़्यादा करंट या वोल्टेज जा रहा है उसको कम किया जा सके। और कैपेसिटर होता है सर एसी पे ऑपरेट होता है। और दूसरी बात सर कि ये इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट करंट बहुत सारे करंट को एक बार स्टोर करके रखता है, जिसको जहाँ पे सर स्पॉन्टेनियस एनर्जी लगता है जैसे फैन होता है सर, तो वहाँ कैपेसिटर का काम होता है कि एक बार टॉर्क इफेक्ट दे दे कि फैन मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद नॉर्मल वोल्टेज पे ऑपरेट करने लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सुनते थे मॉड्यूलेटर। यस सर। एक होता है डी मॉड्यूलेटर। यस सर। क्या है सर? एक कम्युनिकेशन सॉरी सर कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें जब हमको यहाँ से जैसे सर मोबाइल होता है तो मोबाइल से सिग्नल को भेजना रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो ट्रांसमिशन के दौरान जो वोल्टेज हम लोग जो नॉर्मली फ्लो करते हैं तो लो वोल्टेज होता है, तो उसको भेजने के लिए दूरी तक सर हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। और जब वहाँ रिसीव हो जाती है तो उसको फिर नॉर्मल जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिस्टोर करने के लिए वहाँ डी मॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक आपने कम्युनिकेशन की बात की है, इस कम्युनिकेशन में होता है ब्रॉडबैंड। यस सर। है ना। यस सर। ये ब्रॉडबैंड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूज है उसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ? फ्रीक्वेंसी, इसमें सर फ्रीक्वेंसी के रेंज पे हम लोग डिवाइड करते हैं लो वोल्टेज, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में बहुत जैसे सर रेडियो वगैरह या टेलीविजन वगैरह होता है तो उसको एक सर्टेन लिमिट वोल्टेज। ब्रॉड बैंड क्यों कहते हैं सर? उसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज ज़्यादा एक बार में पास किया जा सकता है सर, इसीलिए उसे ब्रॉड बैंड।
ब्रॉड बैंडविड्थ आपने सुना? यस सर, यस सर। ये क्या है बैंडविड्थ? होता है सर रेंज, हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं सर बैंडविड्थ। क्या होता है इससे? इससे सर एक नॉर्मली जैसे सबका कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस होते हैं, सब डिवाइस के अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होते हैं। जैसे रेडियो होता है तो मेगाहर्ट्ज में, और उसके अलावा सर टेलीविज़न जो होते हैं वो किलोहर्ट्ज में। तो उसके अनुसार वहाँ पे हम लोग को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज को इस्टेब्लिश करना रहता है कंपोनेंट का यूज़ करके। तो उसके अनुसार हम लोग अलग अलग, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज्ञान रखते हैं तो आप तो ज़्यादा अच्छा कर सकते थे किसी इसके फील्ड में। फिर भी अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए कि हो जाता है एज एस डी एम, है ना, तो आपको इस ज्ञान का उपयोग करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी, क्या आप करेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे वहाँ पर? सर जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं और आईटी रेगुलेशन 4.0 भी आ रहा है, तो उसमें हम लोग जैसे आजकल की ई गवर्नेंस आ गई है, तो वहाँ पे सर हम लोग भी जो स्टडी किए थे अपने कॉलेज लाइफ में कुछ कुछ आईटी सेक्टर की, तो उसका एप्लीकेशन करके हम लोग साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ई गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके सर हम बेहतर सर्विस पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह से डिग्री जिन्होंने नहीं लिया है तो बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे? सर ऐसा नहीं है सर, वो भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है वो अगर उन्हें नहीं नॉलेज है तो उससे बेटर हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आपने ज्योग्राफी से एग्जाम दिया है? यस। क्या सोचे जब आपने ज्योग्राफी रखा? सर जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मैं रिसर्च किया कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उससे ऑप्शनल में नहीं था सर, तो दूसरी तो मैंने सोचा कि किस सब्जेक्ट को लो जिसे मुझे कम टाइम में ज़्यादा हो। तो ज्योग्राफी जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे देखा कि साइंटिफिक अप्रोच और साइंस का भी एप्लीकेशन होता है, तो इजीली मैं इसको पढ़ करके सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ और एप्लीकेशन और जीएस में भी मुझे हेल्प कर सकती है। अच्छा, तो ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट आपका ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, ज़्यादा अच्छा लगा आपको? सर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें बताइए कि वेदरिंग, इरोजन और डेन्यूडेशन इसमें क्या डिफरेंस है? सर वेदरिंग होता है सर ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, लेकिन इरोजन होता है कि सर वेदरिंग हो जाने के बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह जब कैरी करता है उस पार्टिकल को तो उसे बोलते हैं इरोजन। और डेन्यूडेशन, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो कोई टोपोग्राफी बनती है? यस सर। तो टोपोग्राफी में इरोजन का ज़्यादा रोल होता है या डिपोजिशन का? सर अलग अलग प्लेस पे अलग अलग फैक्टर डिपेंड करती है। कहीं पे सर इरोजन इफेक्ट ज़्यादा होता है तो जैसे हिमालय एरियाज में, तो वो कैरी करके डिपोजिशन एरिया जो हम बिहार में लाते हैं तो डिपोजिशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाती है, और कहीं जब डेल्टा रीजन में जाती है तो डिपोजिशन एक्शन ज़्यादा बनाती है, और जब इरोजनल इफेक्ट होता है कहीं पे सर जैसे ग्लेशियर वगैरह में तो वहाँ स्ट्रक्चर इरोजनल ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, तो यार बताइए जियो सिंक्लाइन क्या होता है? सॉरी सर अभी पढ़ा होगा ना जियो सिंक्लाइन? यस सर पढ़े हैं सर, एक गेस कर सकता हूँ अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, जियो सिंक्लाइन का थ्योरी किसने दिया था? सॉरी सर रिकॉल नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा अच्छा, इरोजन की बात हम लोग कर रहे थे तो इरोजनल साइकिल है ना, साइकिल कितना होता है साइकिल ऑफ इरोजन? सर अल्फर्ड वैगनर ने 3 साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, जिसमें उन्होंने पहला बताया था यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। कंफर्म है कि वेगनर ने दिया था? हाँ यस सर, अल्फर्ड वेगनर। कंफर्म है कि डेविस ने दिया था? सॉरी सर डेविस, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, अभी आपने जस्ट कहा कि गवर्नमेंट सर्विस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। यस यस मैम। तो आप क्या ये मानते हैं कि इंडिया को या किसी भी कंट्री को सर्व करने के लिए सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है गवर्नमेंट सर्विस? क्या प्राइवेट सेक्टर से सर्व नहीं किया जा सकता? मैम मैंने ऐसा नहीं, मेरे करने का तात्पर्य ये नहीं था मैम,
प्राइवेट जॉब भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है कि आज आईटी सेक्टर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, लगभग सर्विस सेक्टर में 60% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है सर। तो मैम एक इंटरेस्ट होता है सबका कि हाँ कि आईटी सेक्टर में जिनको जाना है तो आईटी सेक्टर करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक जॉब सिक्योरिटी, जैसे मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ मैं, तो जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, और लॉकडाउन के समय मैं जब जैसे मैंने पास किया था तो कोविड-19 के कारण थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, जॉब देखा कि प्राइवेट को कट डाउन किया जा रहा है, तो वहाँ से थोड़ा मैं शिफ्ट कर दिया। ओके, अच्छी बात है। आप अभी ई गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं सर से, कि ई गवर्नेंस होता क्या है? मैम गवर्नेंस होता है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवली रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किया जाए और गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विस, पब्लिक सर्विस दिया जाता है, तो उसमें जब आईसीटी का इंक्लूड कर देते हैं मैम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो वो ई गवर्नेंस हो जाती है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल तो मैम एक G20 का इशू और एक कनाडा का जो खालिस्तान का इशू चल रहा है। ये खालिस्तान का जो इशू है कब से स्टार्ट हुआ है, ये मुद्दा कब का है? सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर। अच्छा कोई बात नहीं, आपने इंडिया कनाडा के बारे में बताया, ये मुझे बताइए कि इंडिया और कनाडा के बीच में अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसा रिलेशन है, कुछ रिलेशन में बताइए इंडिया कनाडा के, आप कुछ बता सकते हैं इसका? अभी तो मैम पहले हम लोग का रिलेशन बहुत ही अच्छे से चल रही थी और बहुत सारा हम ट्रेड किए हैं पास्ट में, लेकिन अभी खालिस्तान के मुद्दे पे थोड़ा सा दोनों में कन्फ्लिक्ट इशू राइज हुआ गया मैम। आपकी मैं जैसा हॉबी देख रही हूँ डायरी राइटिंग, इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता सकते हैं डायरी राइटिंग के? डायरी राइटिंग से मैम पहला कि स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्ट करने में सहूलियत हो जाता है, और जो भी प्लान करता हूँ मैम और उसके बाद कोशिश करता हूँ कि मैं उसे अचीव कर लूँ, और उसके अलावा मैम एक राइटिंग स्किल में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता है। और कौन्स मैम की एक कॉन्फिडेंशियल इशू है कि अगर डायरी लीक हो जाती है तो मेरे पर्सनल डाटा किसी को हैंड ओवर हो सकती है। ठीक है, पर्सनल डाटा, ये मुझे बताइए तो राइट टू प्राइवेसी है ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? अभी मैम पहले इसको 90A में डाला गया था, और सॉरी मैम पहले इसे आर्टिकल 21A में डाला गया था, लेकिन रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उसे 21A से मूव करके 19 में शायद इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कोई रिलेटेड केस बता सकते हैं? बहुत फेमस केस था इस पर है मैम, कश्मीर की एक ब्लॉग बनाती थी मैम, तो जब आर्टिकल 317 जो हटा जम्मू कश्मीर का, तो वह राइट टू प्राइवेसी का कोई बहुत बड़ा केस हम एक 2014 का श्रृंगल नहीं वो दूसरे मैटर पे केस है, सॉरी मैम रिकॉल नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं आप। आप मुझे बताइए कि आप बिहार के हैं और बिहार में देखा जाता है जो कोसी है उसे सौरव बिहार कहते हैं, yes. क्यों ऐसा कहा जाता है? मैम कोसी को सौरव बिहार इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा हर साल अपने पाथ को शिफ्ट करता है, और पाथ शिफ्ट करने के कारण मैम क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लाती है अपने साथ साथ, जो सेडिमेंट डिपॉजिट लाती है, तो कहीं पे फ्लड बहुत ज़्यादा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल लाइफ को हैम्पर करती है। ओके, तो अगर आपको बिहार सरकार द्वारा ये पूछा जाए कि फ्लड को आप रोकने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, बिहार आपसे सरकार आपसे सजेशन मांग रही, तो आप अपने तरफ से क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम अगर मुझे अगर फ्लड के बारे में बोला जाए कि कैसे आप मेंटेन किया, तो एक मैम जो डैम जो पहले से है उसको से रेगुलेट करने की कोशिश करूँगा कि उसको स्ट्रेंथ किया जा सके, और नए छोटे छोटे डैम बनाने की कोशिश करूँगा, और दूसरा मैम जो रीस्टोरेशन करूँगा जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज वाटर स्टोरेज फैसिलिटी होते हैं, जैसे मैम लेक्स पॉन्ड्स वॉन्ड्स जो
आजकल पब्लिक इनक्रोच कर लिया है, तो उसे मैं रीअश्योर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैम अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अभी बिहार गवर्नमेंट ने बेफिक्र अप्लीकेशन भी स्टार्ट किया गया है, और मैम एक और अभी सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं। रोशन, रोशन आप मोतिहारी से हैं? यस। मोतिहारी देश में बहुत एक चर्चित जगह है, क्यों चर्चित है? ब्रिटिश जब जब हम लोग अंडर ब्रिटिश रोल में थे सर, तो वहाँ पे प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन का बहुत बड़ा इशू था, तो महात्मा गांधी पहली बार वहाँ से चंपारण सत्याग्रह किए। तो देख गांधी इस देश को बहुत कुछ दिए हैं लेकर, ठीक है सर, गांधी का क्या सा योगदान है देश के लिए, अब दो तीन पॉइंट बता दीजिए। सर हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, और एक जब देश में जो कंट्री डिवाइडेड था छोटे छोटे मूवमेंट में, तो उसको यूनाइट करके एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम स्ट्रगल को पहचान दिया सर, और नॉन वायलेंट और ट्रूथ का यूज करके हमें फ्रीडम दिलाया। G20 अभी कहाँ हेल्ड हुआ है? G20 कहाँ हुआ है अभी? अभी सर न्यू दिल्ली। G20 में भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया है, मतलब G20 अब G21 हो चुका है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े कई देशों को शामिल करके क्या G20 अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो हमें किसी भी इशूज पर क्या होता है, सारे देश के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हम 20 देशों के साथ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और हमने और एक अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया है, तो क्या G20 अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा? ये सर जैसे अभी जो G20 हुआ, अभी कंट्री लगभग दो ग्रुप में बट गया है सर, रसिया यूक्रेन वार के कारण, फिर भी इंडिया सक्सेसफुली उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ जो अफ्रीकन यूनियन ने जो अपना प्रपोजल रखा था कि उसे भी मेंबरशिप चाहिए, तो हम इंडिया सभी कंट्री को एक साथ जुट करके उसे मेंबरशिप लाया, और इससे और ट्रेड बूस्ट करेगा, और जो अफ्रीका यूनियन में बहुत सारे मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ के तरफ भी हम लोग मूव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगी और हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात करते हैं, कोई समूह की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमारा ध्यान बस आर्थिक क्षेत्रों में जाता है, हम सामाजिक क्षेत्रों या राजनीतिक क्षेत्रों को उपेक्षित करते हैं? जैसा आपने बताया अभी, आप आर्थिक क्षेत्रों को लिया, आपने सामाजिक क्षेत्रों क्यों उपेक्षित किया? कई जगह हमने देखा है कि लोग आर्थिक क्षेत्रों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं जबकि सामाजिक क्षेत्रों को उपेक्षा करते हैं। सर ऐसा नहीं है कि सर सोशल इम्पैक्ट को छोड़ दें, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, कि ऑटोमेटिक है कि जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे तो उससे रिजल्ट होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और उसके साथ साथ हम लोग सोशल जो स्टेटस है उसको भी इंक्रीज कर लेंगे समय के साथ, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो लिविंग अप स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करेगा। भारत दुनिया का एक विशाल लोकतंत्र वाला देश है, जब G20 यहाँ पर हो रहा था तो कुछ विदेशी पत्रकारों का आरोप है कि भारत उन्हें एक आज़ादी नहीं दिया बात करने का, और बात भी सही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब विदेशी पत्रकारों को आज़ादी नहीं दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, बातों करने की, इसका क्या रीज़न रहा होगा? सॉरी सर मुझे इसके बारे में ठीक है जी। बताइए कि अभी आप देख रहे हैं कि देश में खासकर जो कोटा है वहाँ सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रहा है। Yes. विद्यार्थी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 16-17 वर्ष के बच्चे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। Yes. क्यों ऐसा हो रहा है सर? एक तो आजकल के जैसे कंपटीशन सोसाइटी हो गया है, सब कोई को रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर करना अपने बच्चे पे डालते हैं कि हाँ तुमको अचीव करना ही है, इसके सोशल स्टिग्मा के कारण बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इसको और कोचिंग संस्था भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वगैरह लेती है, और एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है जिसके कारण अब बच्चा उतना अभी मैच्योर नहीं हो पाता है, तो एक सुसाइड एक आउटकम है उसका सर। रोशन आप अभी हालांकि BPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए आप, या हो सकता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में UPSC से जाएं
हो सकता है कि आपको राजस्थान के कोटा एरिया में ही आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप सुसाइड को रोकने के लिए क्या सब कर सकते हैं? सर एक एक रूटीन वर्क की तरह सर मेंटरशिप गाइड जो होती है उसको सोशल सोशल स्टिग्मा को थोड़ा रिमूव करना कि हाँ एक ऐसा नहीं है कि नीट पास करते हैं तभी हमारे लाइफ में अचीवमेंट होगा, उसके अलावा भी बहुत बहुत बड़ी ज़िंदगी है और उसमें बेटर अगर एक अगर नीट में और आईआईटी जेई में नहीं कर पाते तो दूसरे गोल में जा करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्या क्या इस बात की संभावना है कि आपकी इस बातों से वहाँ का विद्यार्थी कन्विंस हो जाएंगे? किसमें संभावना है इसका? सर संभावना तो सर आशा तो रहती है, आशा से तो दुनिया गायब है, तो मुझे लगता है कि जो कर रहा हूँ तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए और सुसाइड रेट को कम कर सके। बताइए भारत में यदि कोई नागरिक ये चाहेगा अपने जीवन को समाप्त करना चाहे तो क्या कर सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू जैसे लाइफ है तो उसमें राइट टू लाइफ तो है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था मैं याद नहीं कर पा रहा, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी को लाइफ दे नहीं सकते हैं तो लाइफ नहीं ले सकते हैं। तो अभी शायद सर पैसिव इंथुसियास्टिक की बात होती हो रही है कि हम लोग पैसिव इंथुसियास्टिक दे सकते हैं लेकिन एक्टिव इंथुसियास्टिक नहीं दिया जा सकता। क्या भारत में ऑफिशियली तरीके से किसी के जीवन को समाप्त किया जा सकता है? नहीं सर। नहीं तो फिर क्या कहते हैं, फिर जो आप देखते हैं कि कई लोगों को जो डेट जो पेनल्टी मिलता है कैसे मिलता है? सर वो अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय रूल के अंदर में उसे दिया जाता है। इसका मतलब क्या जा सकता है? अगर सर वो अगर कोई हीनस क्राइम करता है और अगर कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन में वैसा ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल ही था, क्या भारत में ऑफिशियली तरीके से लाइफ को समाप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है, ठीक है ठीक है। अच्छा बताइए कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी और किस पद पर होगी? सर जैसा मैं जैसा मेरा रैंक आएगा सर उसके अनुसार मेरा पोस्टिंग वहाँ पे किया जाएगा। अच्छा 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 बताइए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ना उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? बताएंगे कैसे कैसे बटा हुआ है? सर मैं बता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर एक डिस्ट्रिक्ट होती है उसके नीचे सब पहले सर डिस्ट्रिक्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक होती है और ब्लॉक के नीचे ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी कुछ होता है क्या? ब्लॉक और सर सॉरी सर डिस्ट्रिक्ट सर मुझे नहीं आइडिया सर। अच्छा। और कुछ आप करते हैं खाली समय में जैसे डायरी लिखने के अलावा और कुछ भी करते हैं? ये सर कभी कभी सर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो उसमें अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या एक्सप्लोर किया है? सर अभी मैं जब मुझे लेजर टाइम मिला था तो मैं IoT पे रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा। ठीक है ओके आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कैसा था बताओ? अच्छा नहीं था। और इंटरव्यू कब है? 11th अक्टूबर। 11th को ठीक है अभी है, कुछ सुधार की अपेक्षाएं हैं तो बढ़िया से थोड़ा मेहनत करो है ना। तो आते समय आने के बाद जैसे होता है ना एक सैल्यूटेशन अभिवादन बोर्ड के मेंबर का वो तुम मिस कर गए, करना चाहिए है ना, परमिशन लेके आना है आने के बाद वो करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहे हैं अभी आप? तो BPSC की तैयारी कर रहे हैं है ना, इसको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है ठीक है। और बस और कुछ करते हैं तो वैसे थोड़ा बहुत टीचिंग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत क्या होता है? थोड़ा बहुत टीचिंग करना तो भाषा शैली पे ध्यान देना है बात करते समय ठीक है। भाषा शैली पे ध्यान रखना है, जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र जैसे बात करते हैं वो आ जाता है। थोड़ा बहुत टीचिंग करना, पहली बार चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह पहली बार दूसरी बार एक ही बार तो हुआ है अभी तक ठीक है। तो वहाँ पर शब्दों को अननेसेसरी शब्द पर यूज करना, इस सबको कंट्रोल करने की आवश्यकता है ठीक है। दूसरा BPSC की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जाहिर है कि व्यक्ति चाहता है कि हम DSP बने SDM बने है ना,
तो वो बात करना होता है, ना कि गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब तो रेलवे भी हो सकता है, एसएससी में भी हो सकता है, फोर्थ ग्रेड में भी लोग जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ से थोड़ा बात करते समय ध्यान रखना है। अभी अगर मॉक इंटरव्यू पहला है तो उसको और ठीक ठाक करना है, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में तो बोला कि कम टाइम में ज़्यादा, तो पूरा सेंटेंस नहीं बोला, तो सर कम टाइम में ज़्यादा ऐसा ज्योग्राफी में संभव है? जो भी खुद अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, तो एक ये हो गया। दूसरा चीज़ है बाकी सब थोड़ा स्पीड में बोलते हो, थोड़ा स्पीड को कम रखना है, बोलने के स्पीड को थोड़ा कम करना है, क्लियर है सर? वही कम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना है, घबराना नहीं है, क्योंकि साइकिल या फिरोजर में तुम बिगिनर बोल दिया है ना, तो थोड़ा सा कन्फर्म तो कन्फर्म भी बोल दिया, हाँ सर, तो ध्यान रखना है जब सामने वाला पूछ रहा है कन्फर्म तो समझना है। बाकी जो ज्योग्राफी का बेसिक चीज़ है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। से वेदरिंग इरोजन डिनुडेशन पूछे थे तो थोड़ी अच्छे से उसको डिफाइन करने की आवश्यकता है, ठीक है। और डायरी लिखने में पर्सनल डाटा क्या होता है? पर्सनल कुछ सीक्रेट मैटर हो सकता है, कोई लिख देगा क्या पता जगह चोरी किए थे, है ना। डाटा तो उसमें क्या रहता है, जो प्राइवेट डाटा तो बड़ा लीक हो जाएगा। डायरी में तो व्यक्ति लिखता है जो वो अनुभव करता है, जो समझता है, जो कुछ सीखा है ना, या कोई ऐसे कुछ इंसिडेंट्स सब हुआ है जो नोट करने लायक है तो नोट किया है ना। तो डाटा क्या लग रहा है, कोई डाटा रहता है उसमें जानकारी से, तो आधार कार्ड का और पैन कार्ड सब उसी में डाल देता है। एक और चीज है कि आप यस की जगह या बोल रहे हैं, एक जगह बोल दिया था मैं, तीन चार जगह बोल दिए। तो इन सब चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी तुम्हारा उधर तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब पूरी से कर लेना है ना। और लीड आंसरिंग नहीं करना होता है। लीड आंसरिंग मतलब जैसे मैंने व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक पूछा था, तुम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में डिफाइन करना है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंसेस अभी बताना है, ये क्वेश्चन से बढ़ता है ना। बाकी सब ठीक है, करो मेहनत करो, समय है ना, ठीक है।